नमस्कार देवी और सजनो, बनी रिव्यू शुरू हो गया। नमस्कार कर बनी बनी। ओह सॉरी, रिव्यू शुरू हो गया। ओह रियली, ओह सॉरी, कैरी ऑन कैरी ऑन। सॉरी, इसको थोड़ा प्रेम रतन का इफेक्ट है, प्लीज। सो सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू। रेडी? या आई एम रेडी। या ओके। नमस्कार देवी और सजनो, आपका स्वागत है हमारे इस शो पर। इट्स सैटरडे विद पीके एंड बनी। यस, और आज का हमारा चलचित्र है। चलचित्र? Yeah. Really man, what's wrong with you? Oh man, तुझे इफेक्ट है, मुझे भी थोड़ी इफेक्ट है। Oh, प्रेम रतन इफेक्ट, I can totally understand that. The language effect, you know. I know, सलमान खान इफेक्ट, I can totally understand. चलचित्र मतलब मूवी। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रेम रतन धन पायो के रिव्यूज पर, the most awaited movie of 2015, starring सलमान खान, सोनम कपूर एंड अनुपम खेर। हर फैमिली में प्रॉब्लम है, पर वो खुश नसीब है जिनकी फैमिली होती है। सो प्रेम रतन पायो स्टोरी है एक बाप बेटे की, भाई भाई की, बहन भाई की और एक लव स्टोरी। सो इट्स बेसिकली अ फैमिली ड्रामा। एनीवन कैन गो एंड वॉच दिस मूवी ऑन दिवाली ओकेजन। अ टिपिकल सूरज बरसातिया फिल्म ऑफ कोर्स। या इसमें सलमान खान दो रोल कर रहे हैं, एक किरदार उनका है प्रेम, प्रेम जो उन्होंने लास्ट किया था हम साथ साथ में। एंड द अदर रोल ही इज प्लेइंग इज ऑफ विजय सिंह, द प्रिंस और द रॉयल हाइनेस। या ही इज द राजकुमार ऑफ प्रतापनगर। यस, जहाँ पे पैसा होता है, जहाँ पे महल होते हैं, जहाँ पे राजा राजकुमारी होते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं और अपने परिवार वाले ही दुश्मन होते हैं। और वही दर्शाया है सूरज बरजातिया ने इस पिक्चर में कि जो राजकुमार है उनके खुद के परिवार वाले ही उनके दुश्मन हैं। और वो कैसे जो राजकुमार हैं विजय सिंह उनको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। और वहाँ पे जैसा कहा जाता है, कभी कभी हमारे खुद के परिवार के लोग काम नहीं आते, वहाँ पे हमारे सेवक काम आते हैं। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर। यस, जो सेवक हैं उनके उनके रॉयल फैमिली के सालों से, अनुपम खेर जिनका नाम किरदार का नाम है दीवान, वो पूरे परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करते हैं पूरे पिक्चर में। एंड ही फाइंड्स प्रेम, ही फाइंड्स प्रेम, प्रेम हु इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक राजकुमार। वो विजय सिंह की तरह हूबहू वैसे ही दिखते हैं। ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, वो प्रताप नगर आते हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात अनुपम खेर से होती है और अनुपम खेर उनको वो राजकुमार बना देते हैं ताकि जनता को पता ना चले कि राजकुमार के साथ क्या हुआ है। और वहाँ पे एक और किरदार आता है राजकुमारी, प्लेड बाय सोनम कपूर एज मैथिली इन द मूवी। राजकुमारी बेसिकली शी वॉज लुकिंग फॉर अ गाय, शी वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ नॉर्मल गाय एज अ लाइफ पार्टनर। वो एक एक आम इंसान ढूंढती थी अपने लाइफ पार्टनर में जो केयर करे, प्यार करे, लेकिन वो उनको राजकुमार में नहीं मिल पाया बिकॉज ही वॉज अ राजकुमार ऑफ कोर्स। सो राजकुमार हैड हिज ओन एटिकेट्स, हिज ओन स्टैंडर्ड, हिज ओन प्रिंसिपल्स, लेकिन राजकुमारी वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग नॉर्मल फ्रॉम हिम एंड लकीली शी फाउंड दैट इन प्रेम। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कोई और हो। सो बेसिकली प्रेम जो राजकुमार की जगह पे आता है महल में, राजकुमार वाज ऑलवेज सराउंडेड विद मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन उनकी बहन के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, उनके भाइयों के प्रॉब्लम्स थे, उनके फैमिली के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन समहाउ प्रेम वो सारे प्रॉब्लम एक के बाद एक सॉल्व करते गए। बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड दैट प्रेम हैज इन दिस मूवी, ही इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट राजकुमार इज, विजय सिंह जो है मूवी में। एग्जैक्टली, एंड वो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और प्रेम का एकदम सिंपल फंडा होता है कि वो अपने रिलेशंस को ज़्यादा अहमियत देता है और बहुत ही सिंपल सोच से प्रेम ने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए जो राजकुमार पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। ऑलराइट, सो अभी हम बात करेंगे द स्टार कास्ट, ह्यूज स्टार कास्ट। यस, इट्स अ ह्यूज स्टार कास्ट एंड ह्यूज बजट मूवी ऑफ कोर्स। सो हम शुरू करते हैं सलमान खान से, सलमान भाई से, राजा भाईजान भाईजान, जिनकी लास्ट मूवी थी बजरंगी भाईजान। एंड वी ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम। एग्जैक्टली, व्हेन ही इज ऑन स्क्रीन वी ऑलवेज वांट समथिंग एक्साइटिंग। एंड बजरंगी भाईजान से उनसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गई, दुगना हो गई है डेफिनेटली। एंड इस मूवी में वो दो किरदार निभा रहे हैं, डबल रोल, एंड इट्स नॉट अ सस्पेंस, ये शुरू में पता चल जाता है। ही प्लेज अ कैरेक्टर ऑफ प्रेम ऑफ कोर्स and Vijay Singh, the prince. Prem, who is a village guy, and Vijay Singh, who is a royal king. And as we all expect, that purity from Salman Khan is always there to give that purity.
When you are playing double role in the movie, people expect something different, something new and something more all the time, which Salman totally, like, you know, he did total justice to the characters, I guess. Because जहाँ पे वो राजा का किरदार निभा रहे थे वहाँ पे वो उतने ही कड़क और उतने ही सख्त थे, और जहाँ पे वो प्रेम का किरदार निभा रहे वहाँ पे वो इतने ही सॉफ्ट, उतने ही डिसेंट थे. Exactly. So I think वो दोनों अलग अलग किरदार both the characters very, very nicely. हमारे दोनों चलते हैं. So overall, it's a perfect package of Salman Khan in this movie. Salman Khan is all over the screen. Like, you know, उन्होंने पूरा का पूरा movie capture कर लिया है. Yeah, he's in every single shot, I guess. Every shot, he's in the movie, definitely. Yeah, and you always want to watch him more and more. Like, when the movie progress, you always want to see Salman more and more. Yeah, and जो Salman Khan के fan हैं, उनको actually Diwali पे double bonanza है, because he's in the double role, definitely. Exactly. So if you're a Salman fan, then this movie is definitely you will definitely love Salman more and more for this. Exactly. Okay, so अभी हम बात करेंगे the princess of the movie. Sonam Kapoor. Ha. I can totally understand your expressions. Man, banging. Sonam Kapoor. When it comes to beauty, obviously she is beautiful. She looks pretty in the movie as well. She carries the role of a princess absolutely perfectly. Princess की तरह ही वो दिखती है movie में. Yes. But when it comes to acting, that too was much real melodrama. I can understand. She completely overacts. मुझे लगता है कि वो राजकुमारी का रोल करते करते एक्चुअली में 1940s में चली गई है. क्योंकि like as I told, when it comes to acting, she was the most distracting part of the movie. जो expectation होती है सूरज बजाते की हीरोइन से, take it माधुरी from हम आपके कौन से, अमृता राव from विवाह और तबू from हम साथ साथ है. Yeah, exactly. She doesn't live up to the Suraj Bajatia expectation. Exactly. Yeah. वो level, क्योंकि when it comes to Suraj Bajatia, उनकी movies से बहुत सारी expectation होती है, acting wise, music wise. और यहाँ पे सलमान खान के साथ उनकी chemistry भी ठीक नहीं लग रही थी कई हिस्सों में, because सलमान खान is obviously natural, purest actor, I can say. At the same time, Sonam Kapoor was not Yeah, it doesn't match. The chemistry doesn't match. So now we'll talk about four other characters of the movie. वैसे तो बहुत सारे characters हैं, side characters, लेकिन जो main चार side characters हैं इस movie के. And one of them is Anupam Kher. जिन्होंने दीवान का किरदार play किया है. Then there is Nitin Mukesh. जिन्होंने सलमान के छोटे भाई का, मतलब step brother उनके, जो किरदार play किया है. Exactly. Then there is Swara Bhaskar. जो जिन्होंने सलमान की छोटी बहन का किरदार प्ले किया है, अ स्टेप सिस्टर. स्टेप सिस्टर, यप. एंड देयर इज अरमान कोहली, जिन्होंने चिराग का किरदार प्ले किया है, एन असिस्टेंट और फ्रेंड टू नितिन मुकेश. एक्जेक्टली. और पहले हम बात करेंगे अनुपम खेर साहब. एज वी ऑल नो, अनुपम खेर बहुत ही नेचुरल एक्टर है. उनको चाहे कोई भी किरदार दे दो, वो बहुत ही बखूबी से निभाते हैं. या ही डज इट विद कंप्लीट ईज. And that's what he does. Exactly. वो इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता है कि he's acting. He looks so natural. He looks natural. He adopts the character of Diwan so perfectly. Exactly. और अगर acting wise देखा जाए, तो अनुपम खेर was the best part about Prem Ratan Dhan Payo. Yes, and even better than Salman Khan. Exactly. Definitely. So overall, अगर Prem Ratan Dhan Payo में से अनुपम खेर को निकाल दिया जाए, तो वो movie देखने लायक. Then there will be a pillar cut off, so movie गिर exactly. जाएगी. So Anupam Kher is the pillar of Prem Ratan Dhan Payo, and he is the best part about this movie. So अभी हम बात करेंगे नील नितिन मुकेश. इतना बड़ा नाम है, उतना बड़ा तो रोल भी नहीं है उनका इस मूवी में. एग्जैक्टली मैन, ही इज अ रोल इन बिट्स एंड पार्ट्स, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में उनका रोल है, और जितना एक्सपेक्ट किया था उतना बड़ा रोल नहीं. एग्जैक्टली. हमें मूवी से पहले हमें काफी बार ऐसा लगा था कि ही मस्ट बी लाइक यू नो इन द एंटायर मूवी ही मस्ट बी हैविंग अ वेरी सीरियस एंड मेजर रोल इन दिस मूवी, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नथिंग लाइक दैट. वो सलमान के भाई का किरदार निभा रहे हैं, छोटे भाई का, एंड ही इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. ओके, सो बात करेंगे स्वरा भास्कर की, जिन्होंने सलमान की बहन का किरदार अदा किया है, और उनकी लास्ट मूवी थी तनु वजमनु रिटर्न्स. yep. और वो जानी जाती है अपने बहुत ही बढ़िया काम के लिए साइड कैरेक्टर्स में, एंड उन्होंने वही बढ़िया काम इस मूवी में भी किया है. She did a better job than Sonam Kapoor. Okay, और अब हम बात करेंगे अरमान कोहली की. ही इज इन द नेगेटिव पार्ट इन द मूवी, एंड ही डज अ ओके जॉब. सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे द टोपी गाय.
हिमेश रेशमिया, या हिमेश रेशमिया जिन्होंने इस मूवी का पूरा म्यूजिक तैयार किया है, बहुत सारे गाने हैं डेफिनेटली बाय गॉड, या देयर मेनी मेनी सॉन्ग्स इन द मूवी, और मूवी में भी बहुत सारे गाने यूज किए हैं उन्होंने, एंड दैट्स द माइनस पॉइंट ऑफ द मूवी एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत सारे सॉन्ग्स है, बहुत सारे अनवांटेड सॉन्ग्स है, कई जगहों पे सॉन्ग की जरूरत नहीं है, वहां पे भी सॉन्ग है और बहुत लंबे लंबे सॉन्ग है, यस एंड द सॉन्ग्स आर एक्चुअली द बिगेस्ट लेट डाउन ऑफ दिस मूवी, कभी कभी ऐसे दिलों से लग है जाती आग भी। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारे डायरेक्टर साहब द कैप्टन ऑफ द शिप सूरज बरजातिया की, जिनकी पिछली मूवी थी विवाह, बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने विवाह में, और यू एक्सपेक्ट द सेम स्टफ फ्रॉम सूरज बरजातिया, द डिसेंसी, द फैमिली ड्रामा ही क्रिएट्स, एंड ही डिलीवर्स इट समवॉट इन द मूवी, बट ही मिसेस आउट, ही मिसेस आउट क्वाइट मच, या क्वाइट मच, या क्योंकि वो जब सूरज बरजातिया की फिल्म होती है, वो जो जादू होना चाहिए, जो जादू हम आपके है कौन में था, हम साथ साथ है में था, विवाह में था, एग्जैक्टली, मैंने प्यार किया में था, तो वो जादू इस मूवी में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, I think he tries to do too much. Exactly. I think he वो बहुत time बाद movie direct कर रहे हैं, and he tries to I think वो time के साथ चलने की कोशिश करते हैं इस movie में, and he misses out. Exactly. उन्होंने वो tradition, जो old tradition था, वो modern way में दिखाने की कोशिश की है. No doubt it was a good attempt, but still I would say overall it was a boring movie. बहुत ही ज़्यादा stretch किया हुआ है. और काफी सारे songs डाले गए. Unwanted songs है काफी सारे obviously. तो ओवरऑल ही मिसेस आउट. ओके, ये मूवी को आप देखें तो ये एक रेगुलर स्टोरी है, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द स्टोरी, जस्ट ये है कि रॉयल प्लेटर में दिखाई गई है स्टोरी, दैट्स इट, नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द स्टोरी, अ वेरी मीडियोकर स्टोरी लाइन, से म्यूजिक इज द बिगेस्ट लेट डाउन ऑफ कोर्स, एक्टिंग वाइज ओनली सलमान एंड अनुपम खेर स्टैंड्स आउट द मोस्ट, बाकी द एक्टर्स आर ऑल्सो कुछ खास नहीं है, सो ओवरऑल इट्स अ वेरी एवरेज मूवी एंड यू कैन डेफिनेटली मिस दैट. Definitely, and go and do Enjoy something else vacation. Diwali. Yeah. So goodbye, take care of yourself and see you soon. See you soon and wishing you all a very, very happy Diwali. See you in Tamasha.